हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक फार्मूले फ्री फॉल के लिए। तो सबसे पहले, जब फ्री फॉल जब भी होता है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है यू, और वी कुछ ना कुछ होता है एक समझ लेते हैं, और टाइम भी कुछ ना कुछ लगता है उसको वाई समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का फार्मूला था वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हम लोगों का पहला फार्मूला था। तो v इज़ इक्वल टू यू कितना हो जाएगा? ज़ीरो। और एक्सेलरेशन किसके वजह से होगा जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में गिरेगा? ग्रेविटी के वजह से। तो जीरो प्लस जी टी, तो जीरो के साथ कुछ भी प्लस करो उतना ही आएगा। तो v इज़ इक्वल टू जी टी। इस तरीके से हम लोगों को पहला फार्मूला मिल गया। फिर सेकंड फार्मूला हम लोगों तो का था s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट ए तो u तो हम लोग का ज़ीरो है, तो u मल्टीप्लाई बाय टी ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा हाफ ए टी की जगह जी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी के वजह से, तो इसलिए ए की जगह हम लोग जी लिख लेंगे। तो उसके बाद तीसरा फार्मूला था वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इसमें यू तो ज़ीरो है, तो यू हट जाएगा, तो बचेगा टू जी एस। तो इस तरीके से आपका थर्ड फार्मूला आ गया। और दो बातें आपको ध्यान रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसका जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो माइनस में लिखना है आपको, और जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो ग्रेविटी का वैल्यू पॉजिटिव में लिखना है आपको। और जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसका यू ज़ीरो रहता है, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसका वी ज़ीरो रहता है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट समझ लीजिए ये बॉल है, ये मैंने फेंका ऊपर, तो ऊपर जाने के बाद कोई ना कोई पॉइंट पे वो रुकेगा, और रुकने के बाद ही तो वो नीचे आएगा। ऐसा है नहीं कि वो ऊपर गया फटाक से नीचे आ जाएगा। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ आई हैव थ्रोन अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स देन इट विल टेक सम टाइम इन द एयर टू स्टॉप। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो रुकेगा और उसके बाद वो नीचे गिरेगा। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी, और जब रुकेगा तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो v इज़ इक्वल टू ज़ीरो रहता है उस टाइम। तो ये कुछ फार्मूले थे, फार्मूला बेस्ड मैंने इक्वेशंस आपको बता दिए।